आइडिया। तो गाइस कल से मैं सोच रहा था कि किसी जगह मैं घूमने के लिए जाऊं और साथ व्लॉग भी बना लूं, तो फिर आज सुबह मुझे एक ख्वाब आया उस जगह का, तो मैंने कहा क्यों ना आपको इस अमेजिंग जगह लेके चलते हैं, तो फिर आपको दिखाता हूं। तो मैं पहुंच चुका हूं गुरुद्वारा ननकाना साहिब, तो अभी अंदर आ चुका हूं। अंदर एंटर होने से पहले हमें जूते उतारने पड़ते हैं और फिर पाँव धोने पड़ते हैं और फिर अंदर जाना होता है। एंटर होते ही हमें सबसे पहले सर पे रुमाल बांधना होता है, जिसकी वजह से हम फिर अंदर एंटर नहीं हो पाते। तो मैंने भी ऐसे ही रुमाल वगैरह बांधा सर पे। साढ़े 300 साल तकरीबन जो तीन होने ऑप्शन होंगे, एक तुम पूरे साल च पढ़ लो, एक 48 घंटे पढ़ना, एक पढ़ना 7 दिन। अच्छा, तो तुम चूज करना, मेरे मुताबिक लोग पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब। बाबा फरीद साहब का कलाम भी है, कबीर साहब जी भी है, अभी ये तो फर्का नहीं समझने के अंदर बैठे सन। जो मेन पार्टी लीडर से ना, उन्हें इस दरखत का बन के जिंदा जलाता से, ये उस दरखत की दरखत इसी वजह तो इतने हाँ शहीद जन कर। ये तकरीबन 100 किन्ने साल पुराना है, 21 फरवरी 1921 जिम्मे कबर बनाई थी इतने, उन्होंने जलाया गया, यानी शमशान घाट की तरह जैसे होता है ना कब्रिस्तान, यहाँ पे अदा रस्म अदा की गई। ये जो है गोल्ड की है, ये पालकी, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था, इसके 17 किलो सोना लगाया उन्होंने, सोने दिए। अब बाहर आ रहे हैं और फिर पाँव धो के, तो ननकाना साहिब में 7 गुरुद्वारे हैं, जिनमें से एक ये मेन गुरुद्वारा है। उन्होंने मर्दाना जी ने प्यास लागी थी, उन्होंने मर्दाना जी मुसलमान सन, भाई बाला जी हिंदू सन, ये दो साथी गुरु साहब के नाल रहे। अच्छा, उसे प्यास लगन देने सर जुटी लाने में इतों देखा। सरदार जी हमारे साथ थे, इन्होंने हमें गुरुद्वारा एक्सप्लोर करवाया, हमारी मेहमान नवाजी की और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दिए। तो अभी बहुत भूख लग रही है, तो चलते हैं। आज घुमानी थी, तो यही था आज का व्लॉग। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, अब तक खेलते हैं, ओके बाय।